हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 5 नवंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, विनेकुलर फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscgltnacl.com और belgdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन, आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और sscgltnacl ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब था आयुर्वेदा फॉर पोषण। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2021 से किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब था पंजाब विश्वविद्यालय। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के सेशन का। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अरुण चावला। तो इंडस्ट्री चैम्बर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की ने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नामित किया। वह तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह 2011 में फिक्की में शामिल हुए थे और वर्तमान में चैम्बर के उप महासचिव यानी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में आयोजित किया गया, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसराइल। तो कुल 84 भारतीय वायुसेना के कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया। साथ ही IAF के मिराज 2000 विमान स्क्वाड्रन ने इसराइल के ओबडा एयरबेस में भाग लिया। ब्लू फ्लैग 2021 की थीम है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट इन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिनेरियोज। अभ्यास में परिचालन क्षमताओं में सुधार के लिए ज्ञान और युद्ध के अनुभव को साझा करने के लिए 8 देशों के वायुसेना मिशन शामिल हैं। अभ्यास में भाग लेने वाले अन्य 7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इसराइल शामिल है। बात करें यहाँ पर इसराइल की, तो इसकी कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 नवंबर। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को सुनामी के खतरों को उजागर करने और प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया। यह तस्वीर में देखिए, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2021 का फोकस सेंडाई 7 कैंपेन के लक्ष्य पर है, जिसका उद्देश्य वर्तमान के कार्यान्वयन के लिए अपने राष्ट्रीय कार्यों के पूरक के लिए पर्याप्त और स्थायी समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पर्याप्त रूप से बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत वर्ष 2021 में लगभग 15,000 छात्रों ने कोचिंग कक्षाओं के लिए नामांकन किया है। यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसे कुछ निजी केंद्रों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें आर्थिक रूप से गरीब पृष्ठभूमि और हाशिए के समुदायों के बच्चे शामिल हैं। मुफ्त कोचिंग के अलावा छात्रों को दिल्ली सरकार द्वारा 2500 रुपए की यात्रा वजीफा भी प्रदान किया जाएगा। जिन परिवारों की आय सालाना 8 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकाश कुमार का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुक्केबाजी। तो आकाश कुमार ने क्वार्टर फाइनल में रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता लोएल फिनॉल को हराकर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक हासिल किया। वह विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले केवल 7वें भारतीय हैं। यह उन्हें तस्वीर में देखिए, पिछले संस्करण में भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक जीता था। 2021 AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के प्रधानमंत्री ने छोटे द्वीप राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इनिशिएटिव फॉर दी रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स IRIS शुरू की है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
छोटे द्वीप देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के खातिर इनिशिएटिव फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आईआरएस की शुरुआत की। जलवायु शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी शामिल हुए। यह तस्वीर में देखिए, यह पहल आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन का हिस्सा है, जिसके तहत विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में प्रायोगिक परियोजनाओं के साथ क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में किस भारतीय किशोरी ने दमदार भाषण दिया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, विनीशा उमाशंकर। तो विनीशा उमाशंकर ने एक सौर ऊर्जा से चलने वाली इस्त्री गाड़ी का आविष्कार किया है, जिसने पारंपरिक चारकोल इस्त्री बॉक्स की जगह ली है। उनके नवाचार ने नवंबर 2021 में प्रतिष्ठित बाल जलवायु पुरस्कार सहित दुनिया भर से ख्याति दिलाई है। स्वीडन स्थित चिल्ड्रंस क्लाइमेट फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार युवा नवोन्मेषकों के लिए जलवायु से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। यह तस्वीर में देखिए, विनीशा उमाशंकर अर्थ शॉट पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट में से एक थी। उन्हें प्रिंस विलियम ने यूके के ग्लासगो में 26वें यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उनके भाषण को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के प्रसिद्ध लेखक सिति डांगरेमगा को जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे के उपन्यासकार और फिल्म निर्माता सिति डांगरेमगा को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें जर्मन बुक ट्रेड 2021 के शांति पुरस्कार के लिए जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा चुना गया। वह जिम्बाब्वे की पहली अश्वेत महिला बनी जिन्होंने शांति पुरस्कार जीता है। यह तस्वीर में देखिए, उन्होंने पेन पिंटर पुरस्कार 2021 जीता है। उनका पहला उपन्यास नर्वस कंडीशंस जिम्बाब्वे की अश्वेत महिला द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। बात करें यहाँ पर जिम्बाब्वे की, तो इसकी कैपिटल है हरारे, करेंसी है न्यू जिम्बाब्वे डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भाषा संगम किस कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप और एक भारत श्रेष्ठ भारत मोबाइल क्विज का शुभारंभ किया। भाषा संगम 22 भारतीय भाषाओं में रोज उपयोग में आने वाली बुनियादी वाक्य सिखाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल के पीछे की सोच यह है कि लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में भी बुनियादी बातचीत का कौशल हासिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 3। तो केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और नई अधिसूचना के मुताबिक शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला है। उन्हें 11 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। केंद्र बैंक में अपनी नियुक्ति से पूर्व उन्होंने 15वें वित्त आयोग के सदस्य और भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक में भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो फिक्की के न्यू डीजी बने हैं अरुण चावला। एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021 इसराइल में आयोजित किया गया। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। जय भी मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली में शुरू की गई। आकाश कुमार बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। इनिशिएटिव फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आईरिस इंडिया में शुरू की गई है। इंडियन टीनेजर विनीशा उमाशंकर ने COP26 ग्लासगो में एक दमदार भाषण दिया। जिम्बाब्वे की स्थिति डांगरेमगा को पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2021 से सम्मानित किया गया। भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक पहल है और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का टेन्योर 3 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, आकाश कुमार का संबंध किस
खेल से है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।